अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल चना चाट की रेसिपी। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, रमज़ान में ज़रूर ये बनाइएगा और इंजॉय कीजिएगा। तो जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हमने यहाँ बॉइल्ड चने लिए हैं 1 कप। मेरे पास यहाँ बॉइल्ड चने हैं, साथ ही हमने यहाँ लिए हैं 1 कप बॉइल्ड आलू। ये 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू थे जिन्हें हमने उबाल लिया। साथ ही हमने इसमें लिया है फ्रेश हरा धनिया 2 टेबल स्पून के करीब है, इमली का पल्प है ये 2 टेबल स्पून के करीब, या लेमन जूस ले लें आप लोग। साथ ही एक स्मॉल साइज़ की प्याज है जिसे बारीक चॉप कर लिया, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं बारीक चॉप कर लिए, टमाटर है 1 स्मॉल साइज़ का जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है। अब हमने इसमें डाला है नमक 1/2 टीस्पून, आप टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून और चाट मसाला 1/2 टीस्पून। तो ये सारी चीज़ें हमें चाट बनाने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले एक बाउल में डालेंगे बॉइल्ड चने, साथ ही इसमें डाल देंगे बॉइल्ड आलू। ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से ज़्यादा और कम भी ले सकते हैं, चने और आलू। अब हम इसमें टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज भी शामिल कर देंगे। थोड़ा थोड़ा बचा के रखेंगे ऊपर गार्निशिंग के लिए, बाकी हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद अब हम इसमें सारे मसाले शामिल कर देंगे। अब हम इसमें इमली का पल्प शामिल करेंगे और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। आपने ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है। उसके बाद अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ी सी प्याज और टमाटर डाल देंगे ऊपर से। बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान में और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मज़ेदार चना चाट रेडी हो गई है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।